प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश में कहा, भारत अंतरिक्ष में चौथी महाशक्ति बना, अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार गिराने का प्रयोग सफल। कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, कहा किसी ने मोदी के 15 लाख के गणित पर सवाल नहीं उठाए। गोवा में देर रात महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के 3 में से 2 विधायकों ने पार्टी छोड़ी, दोनों विधायक बीजेपी में शामिल। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने जीडीपी के आंकड़ों पर सवाल खड़े किए, कहा बिना रोजगार के 7% की विकास दर कैसे मुमकिन। भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता निरहुआ बीजेपी में शामिल, पूर्वांचल से बीजेपी का टिकट मिलने की अटकलें। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज अमेठी में बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगी। न्यूनतम आय गारंटी पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा 6 महीने तक योजना पर काम किया, नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन और पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन से राय ली थी। वित्तीय संकट से जूझ रही जेट एयरवेज अप्रैल के आखिरी तक 40 और फ्लाइट्स को ऑपरेट करेगी। और आईपीएल में अपने ही शहर में हारी दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपरकिंग्स ने 6 विकेट से हराकर लगातार अपना दूसरा मैच जीता।